Stay home, save lives. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और कुछ नया करने के प्रयास कर रहे होंगे। आज हम कक्षा आठवीं की वाटिका का पाठ एक पंख लगा उड़ जाएं पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी कवित्री हैं आशा सहदेव जी। प्रस्तुत कविता आज की परिस्थितियों पर एकदम सटीक बैठती। प्रस्तुत कविता में कवित्री विद्यार्थियों में नया जोश, नई उमंग जगाने की बात करती हैं। वे विद्यार्थियों को नया नज़रिया, नया सोच, नई आत्मविश्वास जगाने की सीख देती हैं। तो पढ़ते हैं पाठ एक पंख लगा उड़ जाएं। जोश नया भरकर मन में विश्वास नया जगाएं, जो ना कर पाया हो कोई करके वो दिखलाएं। अर्थात कवित्री छात्र छात्राओं से कहती हैं कि उन्हें अपने अंदर सदैव ही उमंग, नया जोश और उल्लास को जगाए रखना चाहिए। विद्यार्थियों को नित नए काम करते रहना चाहिए। जो आज तक इस दुनिया में किसी ने ना भी किया, ऐसे असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखाना चाहिए। उन्हें यह कार्य अपने आत्मबल और संयम से पूर्ण करना चाहिए। नए नज़रिए से दुनिया को देखें और दिखाएं, कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं। हमें अपने नज़रिए, अपनी सोच की क्षमता का विकास करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, अपनी सोच सदैव निर्मल बनाए रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, तभी हम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। द्वेष, ईर्ष्या जैसे भावों को मन में नहीं लाना चाहिए। तेरा मेरा, मेरा तेरा, जो है सबका हो जाए, ऊंच नीच और वैर विरोध का मन में भाव न आए। तेरा मेरा जैसे अहम की भावना, ईगो की भावना को अपने अंदर से हमें त्यागना चाहिए, उन्हें निकाल देना चाहिए। सबके बारे में सोचना चाहिए। ऊंच नीच का भाव मन में कभी भी नहीं लाना चाहिए। किसी के प्रति बैर, विमनस्य या भेदभाव जैसे बातों को अपने अंदर स्थान नहीं देना चाहिए। सबके प्रति सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए, सबके प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए। एक दूसरे की थाम कर बाहें आगे बढ़ते जाएं, कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाए। हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो भी व्यक्ति मुसीबत में हो, उसका सहारा बनना चाहिए। सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हम प्रगति कर सकते हैं। हमारा आकाश निर्मल और पवित्र हो सकता है। हमें उसमें अरमान, हमें अपने आकाश में अरमान रूपी पंखों को लगाकर साथ उड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो रोता हो उसे हंसाएं, जो गिर जाए उसे उठाएं, पीछे रह गया है जो साथी, हाथ पकड़ आगे ले आए। जो दुखी है, असहाय है, उसे हंसाने का प्रयास करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। जो असफल हो गए हैं, जो गिर गए हों, उन्हें उठाने का अर्थात उनका जज्बा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उनके अंदर सकारात्मकता का संचार करना चाहिए। हमारे यदि कोई साथी असफल हो गया तो उसका साथ देना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको मुश्किलों से बाहर निकालने का हमें ही प्रयास करना चाहिए। ज्ञान आलोक फैले घर घर में, ऐसी अलख जगाएं, कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हर घर में ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो। हमें समाज को जागरूक, ज्ञानशील बनाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमारा आकाश इतना पवित्र है कि हमें उस आसमान में पंख लगा कर उड़ जाना चाहिए, अर्थात अपनी सोच को स्वच्छंद और उन्मुक्त रखना चाहिए। जो बीत गया इतिहास हो गया, जो आएगा कल वो होगा, जिसको जी लोगे मन से तुम, एक सुनहरा पल वो होगा। अर्थात जो बीत गया, जो चला गया,
उस पर अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो वो क्या है, इतिहास के समान हो गया, लौट कर जीवन में कभी नहीं आएगा। जो आने वाला है वो हमारा भविष्य है। इसको संवारने के लिए हमें अपने वर्तमान को, जो आज हम जी रहे हैं, उसे सुखपूर्वक जीना चाहिए। जीवन का वह पल सबसे प्रमुख होता है जो हम मन से जीते हैं, जिसे हम खुशी से जीते हैं। इसलिए अगर हम वर्तमान अच्छे से जिएंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही सुखद और उज्जवल होगा। समय बड़ा अनमोल है, इसको न व्यर्थ गवाएं। कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं। आप तो सभी लोग जानते हैं जीवन में समय का बहुत महत्व है। गया हुआ समय पुनः नहीं आएगा, इसलिए अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं, सकारात्मक कार्य करें। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए और समय का तो सदैव ही सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि गया हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता। हमें अपने निर्मल आकाश में पंख लगाकर उड़ जाना चाहिए, अर्थात अपनी सोच कर विस्तृत बनाना होगा, उन ऊंचाइयों तक ले जाना होगा जहां हम सबके लिए सोच सकें, सबको खुश रखें, सबका अच्छा कर सकें। धन्यवाद। उम्मीद है ये पाठ आपको सकारात्मक देगा, ऊर्जावान बनाएगा। घर में रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, कुछ क्रिएटिव करिए, कुछ इनोवेटिव करिए। थैंक यू सो मच।